शिमला में NSUI ने सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास के पास हल्ला बोला और सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया। NSUI सरकार पर कोरोना काल में छात्र विरोधी निर्णय लेने के आरोप लगा रही है। इस दौरान पुलिस और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। NSUI ने कांग्रेस कार्यालय लिफ्ट से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर एक मांग पत्र सरकार को सौंपा है। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर लगातार छात्र विरोधी निर्णय ले रही है, जिसके खिलाफ NSUI आंदोलनरत है और आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश की गई है। मकसद है कि जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण जो है किया जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण जो है अपने चरम सीमा पर है, वो चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो, उसके बाद इस कोरोना की महामारी में आर्थिक संकट जिस तरीके से सबके ऊपर आया है, कम से कम 6 महीने की फीस स्कूल हो या कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटीज हो, उनकी माफ की जाए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को उनकी पिछली असेसमेंट देख के उनको मास प्रमोशन दी जाए और अंत में जिस तरीके से हम छात्रों की पढ़ाई को दरकरार करके, उनकी डिग्रीज को दरकरार करके, RSS के सर्टिफिकेट्स दिखाकर लोग यहाँ पर हिमाचल में आकर नौकरियां कर रहे हैं, उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।